सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब चंद्रमा दूसरे भाव में रहते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो सबसे पहले दूसरा स्थान जो होता है वो धन, कुटुंब और वाणी का होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर में रहता है या दूसरे घर में विराजमान होते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी फंड्स की कमी नहीं होती। फंड मतलब ऐसा धन जो आप खर्च कर सकें अपनी आवश्यकताओं के ऊपर। उनको किसी न किसी रूप से रेगुलर मनी सप्लाई होती रहती है, चाहे वो किसी किराए के प्रॉपर्टी से हो या किसी इन्वेस्टमेंट से हो या फिर घर के किसी मेंबर द्वारा हो। उनके घर के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको अक्सर पैसे मिलते रहते हैं खर्च करने के लिए। दूसरे भाव का चंद्रमा जो है व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल में खर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उकसाते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग काफ़ी सारे पैसे अपने कपड़ों में, एक्सेसरीज में, सजने धजने में खर्च करते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट में भी अच्छा खासा खर्च होता है, स्पेशली अपने जीवन साथी के ऊपर और बच्चों के ऊपर। हालांकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल पसंद नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन ये हमेशा क्वालिटी चीज़ों को यूज़ करना या ग्रहण करना इनको अच्छा लगता है। ये लोग अपने कलेक्शन में कई बार बहुत महंगे अल्कोहल को सेव करके रखते हैं और कई बार महंगे महंगे चीज़ों में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी शो ऑफ करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। शो ऑफ मतलब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा दिखाना, यानी जो ओरिजिनल है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उस बारे में बात करना। अगर चंद्रमा के साथ मंगल भी दूसरे घर में विराजमान है तो कई बार इनके बढ़े चढ़े हुए बात गलत साबित हो जाते हैं, यानी कि लोगों को ओरिजिनल बात पता चल जाती है। ऐसे लोग महंगे फर्नीचर, महंगे डेकोरेशन के चीज़ों में ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। इनके साथ एक दुविधा हमेशा रहती है कि ये अपने जीवन साथी को अपने हिसाब से तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में ऐसा होता है कि वो अपने जीवन साथी को किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर पाते और थक हार जाते हैं, और इस वजह से कई बार इनका अपने जीवन साथी के साथ मतभेद भी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा घर संचित धन का भी होता है, तो ऐसे लोग कई बार अपने पैसे किसी ऐसे फिक्स्ड असेट में, यानी कि अचल संपत्ति में भी इन्वेस्ट करते हैं जो आगे जाकर इनको बहुत सारा पैसा इन रिटर्न देती है। जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी में, फ्लैट या प्लॉट, इसमें अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करके रखना, या फिर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड, बॉन्ड्स में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो कि आगे जाकर इनके धन राशि में हमेशा वृद्धि करती है। इनके ऊपर कभी भी किसी भी तरह का लोन नहीं आता। एक तरह से कह लीजिए कि ये किसी भी तरह के ऋण लेने से डरते हैं। इनके पास हमेशा खर्च के लिए पैसे उपलब्ध रहते हैं। वाणी के हिसाब से ऐसे लोग बहुत ही साफ सुथरी और सधी हुई वाणी बोलना पसंद करते हैं। लोगों को समझाना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, आपके भी दूसरे भाव में चंद्रमा है या नहीं, अगर है तो इन सब परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।